आज इस वीडियो में डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर मेडिसिनल गैसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम मेडिसिनल गैसेस के डिफिनेशन को देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज गैसेस व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड पैक्ड एंड इंटेंडेड फॉर गिविंग टू अ पेशेंट फॉर डायग्नोसिस थेरेपी एंड टू प्रोड्यूस एनेस्थीसिया। मेडिसिनल गैसेस को मैन्युफैक्चर्ड और पैक्ड किया जाता है उस पेशेंट को डायग्नोसिस करने के लिए, उसकी थेरेपी के लिए एंड एनास्थीसिया प्रोड्यूस कराने के लिए। इट इज कंसिडर्ड एज ड्रग एंड देयर यूज विथआउट मेडिकल प्रैक्टिशनर इज अनसेफ। मेडिसिनल गैसेस का यूज बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर के अनसेफ है। मेडिकल गैसेस आर गैसेस यूज इन मेडिकल प्रोसीजर्स। मेडिकल गैसेस का यूज मेडिकल प्रोसीजर्स में किया जाता है। सम आर यूज फॉर ट्रीटमेंट, सम फॉर एनास्थीसिया एंड सम फॉर ड्राइविंग मेडिकल डिवाइस एंड टूल्स। कुछ गैसेस का जो ट्रीटमेंट में, एनास्थीसिया में और मेडिकल डिवाइस और टूल में किया जाता है। देयर आर सेवन काइंड ऑफ गैसेस कॉमनली यूज्ड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंप्रेस्ड एयर, मेडिकल एयर, मेडिकल वैक्यूम। ये सेवन गैसेस हैं जो मेडिकल लाइन में यूज होती हैं। पर्पज आप मेडिकल गैसेस देखते हैं। मेडिकल गैसेस आर यूज विथ इन हॉस्पिटल सेटिंग फॉर मेनी पर्पज। मेडिसिनल गैसेस का यूज हॉस्पिटल में मेनी पर्पज़ के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यूज टू प्रोवाइड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डेंटिसरी इन कॉम्बिनेशन विद नाइट्रोक्स ऑक्साइड एंड एज इमरजेंसी स्टैंडली। ऑक्सीजन का यूज ऑक्सीजन सप्लीमेंटल प्रोवाइड करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को यूज करते हैं और इसको डेंटिसरी नाइट्रोक्स ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके इमरजेंसी स्टैंडली में यूज करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड यूज एज एनास्थीसिया एजेंट इन सर्जरी मिक्सड विथ ऑक्सीजन टू हेल्प पेशेंट रिलैक्स ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर एंड इन क्रायो सर्जरी द यूज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड टू डिस्ट्रॉय टिश्यू। नाइट्रस ऑक्साइड का यूज एनास्थीसिया प्रोवाइड करने के लिए करते हैं और इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सर्जरी में देते हैं, जो कि ये डेंटल सर्जरी में देते हैं, जो कि ये पेशेंट को रिलैक्स प्रोवाइड करता है। अब नाइट्रोजन देखते हैं। नाइट्रोजन यूज टू प्रोवाइड न्यूमेटिक प्रेशर इन मेडिकल इक्विपमेंट टू प्रिवेंट कंजप्शन एंड अदर केमिकल रिएक्शन एंड एज कंपोनेंट ऑफ मेनी गैसेस मिक्सचर। नाइट्रोजन ये न्यूमेटिक प्रेशर मेडिकल इक्विपमेंट को प्रोवाइड करता है और ये अन्य गैसों के केमिकल रिएक्शन को कंजप्शन से रोकता है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज टू इन्फ्लेट एरिया ऑफ द बॉडी फॉर की होल सर्जरी। स्मॉल इंसिजन मेड टू एकोमोडेट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मिक्स्ड विथ एयर और ऑक्सीजन टू स्टिमुलेट ब्रीथिंग एंड इन कैरियो सर्जरी आर टेस्टिंग टूथ सेंसिटिविटी इन डेंटिस्ट्री। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज इन्फ्लेट एरिया बॉडी में की होल सर्जरी में किया जाता है और इसको ऑक्सीजन के साथ में मिक्स करके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट कराने के लिए यूज़ करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज दांत की सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए डेंटिस्ट्री करते हैं। हीलियम यूज इन ब्रीथिंग मिक्सचर फॉर पेशेंट विथ इम्पायर्ड लंग्स फंक्शंस। मेडिकल ईयर यूज इन एडमिनिस्ट्रिंग ब्रीथिंग ट्रीटमेंट एज अ मिक्सिंग कंपोनेंट फॉर अदर रेस्पिरेटरी गैसेस। मेडिकल ईयर का यूज ब्रीथिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एंड रेस्पिरेटरी गैसेस के साथ मिक्स करके दिया जाता है। आर्गन मेडिकली यूज फॉर आर्गन गैस नीफ एंड अदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। आर्गन का यूज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। ड्रग्स सच एज एनेस्थेटिक इन वेपर फॉर्म आर एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन टू इंड्यूस एनेस्थीसिया। एनेस्थेटिक ड्रग्स को इनहेल्ड किया जाता है, यानी नाक के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जो कि एनास्थीसिया प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली इनहेलेशन ऑफ गैसेस का चेंज इन फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड ब्रिंग अबाउट फिजियोलॉजिकल एक्शन। सिमिलरली इनहेलेशन ऑफ गैसेस का चेंज इन फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड ब्रिंग अबाउट फिजियोलॉजिकल एक्शन। सिमिलरली इनहेलेशन गैसेस ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन को चेंज कर देती हैं। दिस डिपेंड अपॉन द गैस, इट्स कंसनट्रेशन एंड द कंडीशन इन विच दे आर यूज। अब ऑक्सीजन देखते हैं जो कि सिलेबस में है, इसे हमें पढ़ना है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट बेसिक गैस फॉर लाइफ एंड इट इज यूज मेडिकली टू सप्लीमेंट ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डिफिशेंट पेशेंट। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक गैस है। ये ऑक्सीजन कमी वाले पेशेंट को दिया जाता है। डायरेक्ट इनहेलेशन ऑफ हाई प्योरिटी ऑक्सीजन इज हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी। डायरेक्ट ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन बॉडी के लिए हार्मफुल है।
लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जनरली डज नॉट एक्सीड 30-40%। ऑर्डिनरी पेशेंट ब्रीथ ऑक्सीजन थ्रू ऑक्सीजन फ्लोमीटर, क्रिटिकली इल पेशेंट ब्रीथ ऑक्सीजन थ्रू द वेंटिलेटर। ऑर्डिनरी पेशेंट हैं जो उनको ऑक्सीजन फ्लोमीटर द्वारा और क्रिटिकली इल पेशेंट को ऑक्सीजन वेंटिलेटर द्वारा प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन इज आल्सो यूज इन हाई प्रेशर टैंक्स टू ट्रीट डाइविंग गैस पॉइजनिंग एंड फॉर ड्रग नेबुलाइजेशन। ऑक्सीजन में भी यूज फॉर पेशेंट रिक्वायरिंग सप्लीमेंटल ऑक्सीजन बाया मास्क, यानी ऑक्सीजन रिक्वायर वाले पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क द्वारा प्रोवाइड करते हैं। रोल ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं। रोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक प्रेशर इन सेल। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन द्वारा कैरी किया जाता है, मतलब ब्लड के द्वारा कैरी होता है। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज इंपॉर्टेंट इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। हीमोग्लोबिन जो कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट द फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन सप्लाई इज नीडेड इन कंडीशन सच एज एक्सपोक्सिया और एनोक्सिया स्टेट वेयर ऑक्सीजन इज सप्लाइड बाय इनहेलेशन रूट। एक्सपोक्सिया और एनोक्सिया कंडीशन में ऑक्सीजन इनहेलेशन रूट से सप्लाई किया जाता है। ऑक्सीजन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट 21%। ऑक्सीजन एयर में 21% पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया ऑक्सीजन नॉट लेस देन 99% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विद ट्रेक्स ऑफ अदर गैसेस लाइक आर्गन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। इसका प्रिपरेशन देखते हैं। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेथड टू प्रिपेयर ऑक्सीजन इन लैबोरेटरीज थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ऑक्सीजन को लैबोरेटरी में KCl3 पोटेशियम क्लोराइड के डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है। द पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व लीविंग KCl। रिएक्शन देखते हैं। 2KClO3 कोयम NO2 ऑक्साइड एड करके, यानी मैगनीज डाइऑक्साइड को ऐड करके डिकम्पोज करते हैं तो 2KCl+3O2 मिलता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये कलरलेस आर्डरलेस गैस है, सॉल्युबल इन वाटर एल्कोहल, केमिकली ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटल नॉन मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन व्हेन हीटेड टू फॉर्म ऑक्साइड। मेटल और नॉन मेटल के साथ में जब ऑक्सीजन को हीट करते हैं तो ये डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे सल्फर को जब ऑक्सीजन के साथ में गर्म करते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस के साथ में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और फेरस के साथ में जब गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है। और MgO2 को गर्म करते हैं तो 2MgO बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका यूज देखते हैं। वाइडली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्सिया यानी लो ऑक्सीजन इन ब्लड। एनोक्सिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं इसको। यूजफुल इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग को ठीक करता है। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज प्रोड्यूस बाई फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। इसका स्टोरेज देखते हैं। ऑक्सीजन इज स्टोर्ड एंड सप्लाइड इन मेटल सिलेंडर अंडर प्रेशर। सुरर ऑफ सिलेंडर पेंटेड वाइट, ऑक्सीजन का सिलेंडर वाइट कलर से पेंट होना चाहिए। रिमेनिंग पार्ट ब्लैक, यानी नीचे का पार्ट जो है वो ब्लैक होना चाहिए। नेम एंड सिंबल O2 इज मार्क्ड ऑन सिंबल ऑफ सुरर ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर पे O2 का सिंबल और नाम लिखा होना चाहिए जिससे पता चले कि ये किस गैस का सिलेंडर है। इसका प्रिपरेशन देखते हैं। बाई फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड एयर प्योरीफाइड एयर इज इम्प्रेस्ड टू गेट लिक्विड एयर। लिक्विड एयर इज फ्रैक्शन बाई डिस्टिलेशन टू गेट ऑक्सीजन फील्ड इन मेटल सिलेंडर अंडर प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखते हैं। मेडिकली कार्बन डाइऑक्साइड इज टू इन्फ्लेट द एब्डोमिनल कैविटी एंड कोलन फॉर लैक्रोस्कोपिक एंड कोलोनोस्कोपिक। इन एडिशन इट इज आल्सो यूज फॉर लैबोरेटरी कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये लैबोरेटरी में बैक्टीरिया के कल्चर यानी बैक्टीरिया को सेव करने के लिए यूज होता है। इसका
रोल देखते हैं, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज रेडली अब्जॉर्ब एंड कैरीड बाय ब्लड बोथ इन सेल एंड ब्लड। इट इज आल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है बॉडी में। लार्ज क्वांटिटी ऑफ CO2 इज इमिनेट बाय लंग इन एक्सहेल्ड एयर। इसकी लार्ज क्वांटिटी जब हम हवा को एक्सहेल्ड करते हैं तो उसके ये इलिमिनेट होती है। इन प्लाज्मा एक्सेस ऑफ CO2 इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में होता है। इसका रिएक्शन देखते हैं। CO2 प्लस H2O, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कन्वर्जन ऑफ कार्बोनिक एसिड इनटू बाइकार्बोनेट आयन हेल्प इन मेंटेनिंग द pH ऑफ ब्लड। फिर इसका कन्वर्जन होता है तो ये H+ CO3 यानी कार्बोनिक आयन बनाता है जो कि यह ब्लड के pH को मेंटेन करता है। ये देख लेते हैं pH इक्वल pKa log H2CO3 HCO3 माइनस। इंक्रीज इन सिस्टमिक बायोकार्बोनेट आयन H2CO3 रिजल्ट इन इंक्रीज इन pH ऑफ ब्लड। यानी सिस्टमिक बायोकार्बोनेट आयन के बढ़ जाने से ब्लड का pH बढ़ जाता है। इंक्रीज इन H2CO3 कार्बोनिक एसिड रिजल्ट इन डिक्रीज इन pH ऑफ ब्लड। कार्बोनिक एसिड के बढ़ जाने से हमारे ब्लड का pH कम हो जाता है। ये इसकी मैकेनिज्म है जो देख लेते हैं। ये टिश्यू में जैसे CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लाज्मा में जा करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है वाटर के साथ मिलकर के CO2 प्लस H2O। फिर लंग से ऑक्सीजन लेता है और ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पा करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हो जाता है। और ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि फिर टूट करके H2CO3 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हो जाता है। यही प्रोसेस चलता रहता है। ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ CO2 O2 इन टिश्यू प्लाज्मा में होता है। ये उसी का मैकेनिज्म है जो कि हम स्लाइड में देख रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इट कंटेन नॉट लेस देन 99% ऑफ CO2। प्रिपरेशन इसका देखते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। ये कार्बोनेट के हीट करने से मिलता है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसको जब हीट करेंगे तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। 2NaCO3 को गर्म करने पर Na2CO3 सोडियम बाई कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 मिलता है। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक कलरलेस आर्डरलेस गैस है, सॉल्युबल इन वाटर, CO2 विथ वाटर गिविंग कार्बोनिक एसिड। CO2 प्लस H2O को जब गर्म करेंगे तो H2CO3 मिलेगा। इसका स्टोरेज यानी लेबलिंग देखते हैं। स्टोर्ड इन मेटल सिलेंडर, स्वरर ऑफ सिलेंडर पेंटेड ग्रे एंड नेम एंड सिंबल CO2। इसका जो सिलेंडर है वो ग्रे कलर का होना चाहिए और इस पर नाम और सिंबल होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का। और जो रिमेनिंग पार्ट यानी नीचे का जो पार्ट है वो ब्लैक होना चाहिए जिससे ये पता चले कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सिलेंडर है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज देखते हैं। यूज एज रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट व्हेन इनहेल्ड। इट स्टिमुलेट रिस्पायरेटरी एंड CBS सेंटर्स। इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज रिस्पायरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेंट करने के लिए इनहेल्ड किया जाता है और ये रिस्पायरेटरी सिस्टम और CBS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। मिक्सर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग को ठीक करने के लिए ये यूज किया जाता है। यूज इन बेवरेज इंडस्ट्री फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसको खाद्य पदार्थों में भी यानी पेय पदार्थ जो हैं उसमें भी एक ये यूज होता है। यूज टू डिस्प्लेस ईयर इन सम पेरेंटल प्रिपरेशन, ये पेरेंटल प्रिपरेशन को बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड देखते हैं जिसका फार्मूला N2O है। कंटेन नॉट लेस देन 95% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ N2O। इट इज आल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस एज इट प्रोड्यूस एग्लिजरिंग इफेक्ट व्हेन इनहेल्ड। इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसका प्रिपरेशन देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को जब डिकम्पोज करते हैं तो H2O प्लस N2O मिलता है यानी नाइट्रस ऑक्साइड मिलता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये कलरलेस स्लाइटली स्वीट आर्डर गैस है, डिजॉल्व इन H2O, ये
पानी में डिज़ोल्व हो जाता है पानी और एल्कोहल में, इट डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर देंगे यानी मैक्सिमम 500 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। N2O को 500 डिग्री पे जब गर्म करेंगे तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। इसका स्टोरेज देखते हैं, स्टोर्ड इन मेटेलिक सिलेंडर अंडर प्रेशर, सिलेंडर इज पेंटेड ब्लू एंड लेबल विथ नेम एंड सिंबल ऑन सिलेंडर, इसको ब्लू कलर से पेंट करना चाहिए और इस पर नाम और सिंबल लिखा होना चाहिए N2O का, जिसे पता चले कि ये नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर है। इसका यूज देखते हैं, यूज बाय इनहेलेशन फॉर ऑपरेशन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन लाइक डेंटल एक्सट्रैक्शन एंड माइनर ऑपरेशन ऑफ बॉडीज, इसका यूज ऑपरेशन में किया जाता है जैसे दांत एक्सट्रैक्शन दांत को उखाड़ना है या माइनर ऑपरेशन है तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है। प्रोड्यूस एनास्थीसिया विथ एनाल्जीसिया, इसको एनास्थीसिया और एनाल्जीसिया प्रोड्यूस कराने के लिए दिया जाता है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड इज गिवन बाय इनहेलेशन इन 60-80% और विथ ऑक्सीजन 20-40 एज रिक्वायर्ड, इसका यूज 60-80% और ऑक्सीजन 20-40% जैसा रिक्वायर है उस तरह से इसको दिया जाता है। अब इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नया वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके।